हेलो व्यूअर्स, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं गौरव वर्मा स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पे। जैसा कि आपको पता है कि हर रोज की तरह आपको टुडे क्वेश्चन मिल रहा है। चलिए टुडे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले एक बात आपको बता दूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत जल्द मैं आपको एग्जाम 7 नवंबर को होगा कि नहीं होगा उसके बारे में आपको बताऊंगा, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना। आप लोग जैसा ही प्रिपरेशन कर रहे हैं उस तरह से प्रिपरेशन करते रहिए और बहुत जल्द मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपका एग्जाम 7 नवंबर को होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 डिस्ट्रिक्ट में विजिट कर चुका हूँ। अब 2-4 डिस्ट्रिक्ट और बचा हुआ, वहाँ पर विजिट करना है, फिर मैं आपको बताऊँगा कि 7 नवंबर को एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। सो टेंशन फ्री रहिए और अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द होल्ड कंडीशन ऑफ ए फ्लिप फ्लॉप। जैसा कि मैंने आपको फ्लिप फ्लॉप का वीडियो बताया था, उसमें एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि RS फ्लिप फ्लॉप या SR फ्लिप फ्लॉप में जो क्या होता है कि जब कोई कंडीशन, मतलब कि कोई इनपुट वैल्यू, और उसमें क्या होता है कि वो ना आउटपुट दे पा रहा है और ना कुछ दे पा रहा है, मतलब कि उसमें ना एक्टिव कोई भी इनपुट अपना एक्टिव होता ही नहीं है। तो अपना क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज द होल्ड कंडीशन ऑफ ए फ्लिप फ्लॉप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, नो एक्टिव एस और नो एक्टिव आर, मतलब कि सेट और रीसेट। क्वेश्चन नंबर 2, बाई सीमोस लैच कंसीट ऑफ। देखिए इसमें जो लैच होता है अपना कॉर्नर्स होता है, किस तरह का होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस तरह का एक लैच बनता है नीचे वाला ऊपर की तरफ, मतलब कि क्यू और क्यू बार। क्यू बार अपना नीचे की तरफ होता है जो कि नीचे का जो इनपुट अपना वैल्यू है वहाँ पर होता है, और क्यू बार ऊपर के लिए होता है। तो ये पूछ रहा है बाई सीमोस लैच कंसिस्ट ऑफ ए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इन्वर्टर्स। ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सर्किट बेस्ड ऑन डायनेमिक मेमोरी आर टर्म एज। तो देखिए इसमें क्या है कि जो अपना सर्किट होता है और डायनेमिक मेमोरी होता है, मैंने कि आपको ऑल मेमोरी कंसेप्ट में बताया था कि किस तरह की कितनी मेमोरी होती है, तो उस लेक्चर को आप याद कीजिए और उसी के बेस्ड पे ये क्वेश्चन था अपना, सर्किट बेस्ड ऑन डायनेमिक मेमोरी आर टर्म एज। तो इसका राइट आंसर होगा स्टैटिक कॉम्बिनेशनल सर्किट, इसका राइट आंसर होगा डायनेमिक कॉम्बिनेशनल सर्किट। ऑप्शन नंबर D इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अल्ट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिकेट फाइनल स्टेट ऑफ। तो देखिए इसमें क्या है कि अल्ट इज इम्पॉसिबल, मतलब कि जो हम लोग अपना फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं उसमें जो लैच का अपना स्टेटमेंट लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, इसमें बहुत लोग क्या करते हैं कि अपना आंसर देते हैं लैच में, बट इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप। ऑप्शन नंबर A इज इसका होगा राइट आंसर। और आप लोग देखिए वीडियो को देखते रहिए और मैं आपको बराबर बोलता हूँ कि अपना लास्ट में अपना स्कोर सबमिट किया कीजिए, और आप में से बहुत लोग जो हैं सो अपना स्कोर सबमिट नहीं करते हैं, तो आप सभी लोग से एक अनुरोध है कि कृपया अपना स्कोर सबमिट किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, फीडबैक लूप इज क्लोज्ड फॉर एनी पार्ट ऑफ टाइम इज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी फ्लिप फ्लॉप। जैसा कि मैंने आपको बताया था, JK बताया था, RS बताया था, SR बताया था, बट डी फ्लिप फ्लॉप आपको नहीं बताया था, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मेरा काम है एक ओवरव्यू देना और डीपली स्टडी करना आपका काम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी फ्लिप फ्लॉप। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन क्लॉक इज लो फ्लिप फ्लॉप इज इन। मतलब कि जब अपना इनपुट या आउटपुट किसी भी तरह का कोई भी कंडीशन बनता है और वो अपना लो कंडीशन में जाता रहता है, तो उस समय फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, तो अपना सारा जो भी कुछ होता है वो मेमोरी बेस्ड हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर B होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, टाइमिंग जनरेटर्स आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट जनरेटर्स। प्रेडिकेट जनरेटर्स क्या होता है, देखिए जो कि अपना टाइमिंग जनरेटर्स होता है, इसमें कि एक टाइमिंग बॉन्डिंग के साथ में अपना सारा वर्क होता है, ठीक है। उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 8, जो कि अपना एक रिपीट मोड पे है, मैंने आज का जितना भी रीजनिंग पार्ट है, 3 क्वेश्चन है, उसको मैंने रिपीट मोड पर दिया है कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग सही में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या है, ABC, यहाँ पे सीरीज चल रहा है 1, 2, 3, उसके बाद अपना गैप क्या आ गया, D और E का गैप आ गया, उसके बाद क्या है, FGH, उसके बाद फिर 3 का गैप है, मतलब कि IJ और K का गैप है, उसके बाद LMN, उसके बाद अपना क्या गैप हो जाएगा, 4 का गैप हो जाएगा, OPQR, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा STU, मतलब कि गैपिंग के बाद कंटिन्यूअस टर्म में अपना चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ये भी अपना रिपीट मोड का क्वेश्चन है, इसमें क्या है अपना 5760, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 6 से तो अपना आंसर आ जाएगा 960, फिर 960 को डिवाइड करते हैं 5 से तो कितना चला आएगा, जब 960 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे
तो हो जाएगा 5 1 5, बच गया 4, फिर 9 5 45 एंड आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि अपना 5760 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आ जाएगा अपना 960, फिर डिवाइड 5 करेंगे तो अपना क्या चला आएगा 192। 5 1 5, बच गया 4, फिर 46, 9 5 45 एंड बच गया 20 आ जाएगा, तो 5 5 2 10, तो 192 इसका होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या अपना सीरीज चल रहा है कि 3 + 12 किए 15 हो गया, फिर प्लस क्या किए +20 किए 35 हो गया, फिर +28 किए तो अपना 63 हो गया, फिर +36 कर देंगे तो अपना 99 हो जाएगा। एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, तो आपका यहाँ तक क्लियर है। और आप बाद बाकी आपको करंट अफेयर मिल ही रहा है, जीके मिल ही रहा है, और बहुत जल्द आपको मैथ का भी क्वेश्चन मिल जाएगा। इसी तरह आप बने रहे हैं टीचर एक्स्ट्रा साथ में, आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलते रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि C++ का आपको बहुत जल्द टॉपिक मिल जाएगा, ऐसा है कि फेस्टिवल के कारण कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिस कारण मैं आपको अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो बहुत जल्द आपको C++ का क्वेश्चन भी मिल जाएगा, MCQ मिला, इसमें मैं अपना ओवरव्यू जो कि C++ के बेसिक कंसेप्ट पे होगा, कहाँ से C++ का क्या जनरेट हुआ और उसके पूरे बेसिक पे अपना पूरा होगा। उसके बाद हम लोग उसमें कुछ प्रोग्रामिंग टर्म देख लेंगे और उसके बाद हम लोग DBMS में हाथ लगा देंगे। तो वीडियो क्लास को मैंने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन में क्लिक करें ताकि आपको सारी रेगुलर अपडेट मिलती रहे।